विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय योजना की बैठक शनिवार को आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय, प्रांत संरक्षक बालकृष्ण सर्राफ, प्रांत उपाध्यक्ष शिवाजी सिंह, प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे, प्रांत मंत्री वंशराज पांडे सहित विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। परिषद के इस प्रांतीय बैठक में राम मंदिर पर न्यायालय द्वारा आने वाले निर्णय पर कार्यवाही और गौ संरक्षण सहित विभिन्न बिंदुओं पर आगामी 6 माह की योजना तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि गाय हम सबकी माता है। एक गाय में हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवता निवास करते हैं, जबकि अन्य किसी पशु में ऐसा नहीं है। इसलिए गाय को पशु ना मानकर केंद्र सरकार को गाय के लिए अलग से एक कैबिनेट की स्थापना करनी चाहिए। तो नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा और ये बताया कि देश की कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिस पर वहां विचार होता है तो कोई प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव का यही अर्थ है कि सरकार हमारे विचार समझ ले और हमारा भी अखबार में पढ़ता है तो उस समस्या को समझ। जैसे गाय के बारे में अन्य कुछ भी न कहते हुए हमने ये बात आगे बढ़ाई है कि भारत सरकार में पशुओं के लिए मंत्रालय है। अब पशु में कुत्ते भी आते हैं, भेड़ बकरी भी आती है, मछली भी आती है, गाय भी आती है, भैंस भी आती है। तो किसी को कुत्ता प्यारा है किसी मंत्री को तो कुत्ते के लिए कानून बनाते रहता है, कुत्ते के लिए पैसा लाठ जाता है। कहा कुत्ता, कहा भेड़, कहा गाय। हम तो गाय को माँ मानते हैं, कुत्ते को तो माँ नहीं मानते। कुत्ते को तो ना बाप मानते हैं, ना भाई मानते हैं, ना मित्र मानते हैं, लेकिन कुत्ता पालते तो नहीं। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, हम लोग यही देखते हैं। इसलिए ये बात आगे बढ़ी है कि भारत सरकार पशु शब्द से गाय को बाहर निकाल। गाय जानवर नहीं, ये हमारे शास्त्रों के हजारों हजारों साल से माता है, पूजनीय है। अब सांप भी पूजनीय है, चूहा भी पूजनीय है, शेर भी पूजनीय है, और भी पूजा करते हैं। चूहे की पूजा हो जाएगी गणेश जी के साथ, सांप की पूजा शंकर जी के साथ, भगवती के साथ शेर की पूजा हो जाएगी। गाय को मां और गाय में सब देवी देवताओं का निवास मान लिया गया। गाय पर सारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए गाय का चिंतन आद्योपांत करने के लिए सिस्टम ही अलग बनाओ, पशु से अलग करो। जो बजट में हिस्सा जाना है गाय के लिए अलग है। 2 पैसे देने हैं कि 2 रुपए देने हैं ये सरकार सोचे। हम 2 पैसे से ही काम करेंगे, लेकिन गाय के लिए सोचने वाला मंत्रालय सिस्टम अलग थे। फिर हम बार बार उसी से बात करेंगे, फिर पशु वालों से हमें क्या लेना देना। नहीं तो गाय का काम करना है तो खेती वालों से भी पूछो। खाद वालों से पूछो। गाय के मूत्र की दवाई बनानी है तो औषधि वालों से भी पूछो। अपने का गाय का मंत्रालय अलग बनाओ। केंद्र में बनेगा तो सब जगह करने की बात रास्ता खुल जाए। फिर हम अपने आप सोच लेंगे गाय कहां पर। हम पिछले 5-7 साल से मांग कर रहे हैं कि गाय को जेल में पालो। अब आ रहा है कि एक जेल में 25 गाय रखने के प्रारंभ करेंगे। वहां मैदान भी है, सेवा करने वाले लोग भी हैं। गाय के लिए अभयारण्य बनाओ। जंगलों में शेर घूमता है, निशक्त होकर घूमता है हिरण और शेर। एक पाड़ा ऐसा बना दो 1 किलोमीटर घेरे का जिसमें गाय छोड़ दो, अन्य कोई हिंसक पशु ना आ पाए तो उसके रास्ते निकलते रहेंगे, लेकिन
गाय का अभयारण्य बनाओ, गाय पर स्वतंत्र भारत में कोई रिसर्च नहीं हुआ, लेबोरेटरी में पशुओं पर रिसर्च होता गाय पर भी होता है, विदेशी गाय भारतीय नस्ल की गाय नहीं, इसलिए गाय ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाओ। अब धीरे धीरे बात जोर पकड़ेगी, लोग बहस करेंगे, सवाल जवाब होगा, उत्तर देंगे, हो सकता है किसी के दिमाग में बीज जमे, ये एक इस पर बहुत चर्चा होने के बाद ये चार दिन का प्रस्ताव गाय पर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनती है। हम तो ऐसे ही करते हैं कि तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों को भी इंडिपेंडेंट डेस्ट बनाए, पर्यटन तो भी तीर्थ यात्रा, पर्यटन तो बहुत मस्ती को कहते हैं, पर्यटन करने वाले लोग शराब भी पीते हैं, छुआ भी खेलते हैं, अय्याशी करते हैं, तीर्थाटन अलग चीज है, पर्यटन अलग है, देश तीर्थाटन का देश है, टूरिज्म का देश है ही नहीं हमारा, इसलिए अलग डेस्क बनाओ। बद्रीनाथ जाने वाले कितने, गंगा का स्नान करने वाले कितने, हेमकूट साहब जाने वाले सरदार कितने, वैष्णो देवी जाने वाले लोग कितने, अमरनाथ की यात्रा जाने वाले लोग कितने, और डल झील का मजा लेने वाले लोग कितने, साल भर के आंकड़े हिंदुस्तान के आ रही है, दक्षिण भारत में शबरीमलाई के मंदिर का दर्शन करने वाले कितने करोड़ लोग हैं, हर रामेश्वरम कितने जाते हैं, जगन्नाथपुरी कितने, ये हिंदुस्तान में सोचने का हमने एक रास्ता निकाला है। आप एक इंडिपेंडेंट डेस्क बनाओ, वो धीरे धीरे बिंदु लिखने शुरू करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम है, इसमें बांग्लादेश के घुसपैठ ही नहीं है, ये म्यांमार बर्मा वहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुस्लिम लोग बहुत क्रूर, इसलिए उनके लिए शब्द दिया गया मानवता के शत्रु। पहले कुछ और शब्द था, पता नहीं है शब्द सही नहीं है, यह अत्यंत निर्दयी और क्रूर, इसलिए इनके लिए फिट है मानवता के शत्रु। हम लोग क्या करते हैं, सस्ती मजदूरी के नाम पर घर में रख लेते हैं, एक रिक्शा वाला 10 रुपये मांगता, एक 5 रुपये मांगता, 5 रुपये की रिक्शा में बैठ कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम किसको अपने घर में बसा रहे हैं, भूल जाते हैं, उस समय इतना ध्यान रहता है कि ये सस्ता है, लेकिन जब वो हमारे सामने ही हथियार लेकर आ जाता है तब हम सरकार को चिल्ला देते हैं। सरकार को कहा है और हमें और आपको भी कहा गया है, इनसे बचो, बी अलर्ट, और पुलिस को सूचना दो